हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और कल के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने आपको बिरयानी मसाले की एक्चुअली रेसिपी दी। तो ये तो बनता है कि बिरयानी मसाला बन गया तो फिर बिरयानी बननी ही है। तो बस आज सब तैयारी कर ली है और घर में सभी की इच्छा भी थी बिरयानी खाने की, तो तैयारी कर ली है और सारी तैयारी करके रखी है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी क्या क्या लगेगा। बहुत ही इजी वे में, जो घर में सारे सामान सबके किचन में मिल जाते हैं उन्हीं से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनेगी। आप ट्राई जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ बना लेते हैं बिरयानी, क्योंकि थोड़ा समय भी लगेगा इसमें। और यहाँ मैं बिरयानी में आलू और अंडा भी डालकर बना रही हूँ, तो उसको मैंने पहले ही से बॉईल कर लिया है। और यहाँ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, नींबू। तो हरा धनिया पुदीना मैंने काट लिया है और हरी मिर्च को मैंने स्लिट में काट लिया है। और यहाँ मैंने 2 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है और इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना और मिर्ची अभी डाल दिए, नींबू बाद में डालूँगी। और ये प्याज मैंने पहले ही से फ्राई करके रख ली थी, तो ये प्याज डाल दी है। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच बिरयानी मसाला भर के मैंने डाला है यहाँ पर। और 400 ग्राम के करीब दही लिए, जिसको पहले ही मैंने फेंट लिया था। और अब इसमें ऑयल डाल देंगे, जिसमें मैंने अभी प्याज को फ्राई किया था ये वही बचा हुआ ऑयल है। तो 2 टीस्पून ये रिफाइंड ऑयल है, तो ये डाल दिया है। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें 1 नींबू का रस भी डालूँगी मैं, फिर दोबारा से अच्छे से मिला लेंगे। आप ट्राई कीजिएगा कि अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए, तब भी ये बहुत अच्छे से बनता है। मैंने 15 मिनट ही रखा था और आप आगे देखिएगा, बिल्कुल अच्छा बना है, बिल्कुल जूसी और बहुत अच्छी तरीके से गल भी जाता है। और यहाँ चावल मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे। ये बासमती चावल है, किसी ब्रांड का चावल नहीं लिया है मैंने, नॉर्मल लूज़ चावल जो हमारे बगल की शॉप में मिलता है वहीं से लेती हूँ मैं। और यहाँ पानी में 2 स्टिक सिनेमन, 4-5 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून शाही जीरा, 8-10 इलायची और 8-10 लौंग, तो ये डाल के अभी फुल फ्लेम पर चढ़ा देंगे इसको। क्योंकि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और अभी वो फुल फ्लेम पर चढ़ा हुआ है, जब तक उसमें बॉयल आएगा तब तक यहाँ बाकी बहुत से काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ अभी मैं एस्ट्रो के लिए खाना चढ़ा रही हूँ। इसका चिकन का स्टॉक बनता है विदाउट सॉल्ट, तो बस ये स्लो गैस पर अब बनता रहेगा। और अभी आप कुछ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जब ऐसी इस तरीके की डिश बनाई जाती है और जिसमें इतनी मेहनत और इतना टाइम, इतना सामान लगता है, तो फिर किचन में काफ़ी कुछ फैला हुआ हो जाता है। तो अभी किचन बहुत फैली हुई है, तो उसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ जब तक टोप चढ़ा हुआ है, हम लोग इसको बिरयानी बनाने का टोप बोलते हैं, तो ये चढ़ा हुआ है टोपिया, और तब तक मैंने यहाँ पर रायता को रेडी कर लिया है। और अब आलू तो मैंने छील कर ही बॉईल करने के लिए चढ़ाए थे, मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ ज़्यादा, तो छीलने का झंझट नहीं रहता बाद में। और अंडे अब मैं फटाफट छील लूँगी। पानी में बॉयल आ गया है, तो जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, आप आधा घंटा ज़रूर भिगाइएगा, इससे चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं और पकते भी बहुत जल्दी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतनी देर गलाने के बाद चावल जल्दी पक जाता है। तो यहाँ चावल मैंने डाल दिया है और अभी इसी वक्त हिसाब से नमक डाल देंगे इसमें, क्योंकि बिरयानी में ऊपर से नमक नहीं डालते हैं। चिकन में तो हिसाब से नमक डाल दिया था और अब यहाँ डाल दिया है। और एक बार आप पानी को टेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप टेस्ट कर लीजिए पानी को, और आपको पता चल जाएगा कि कितना नमक इसमें लगेगा। तो यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध ले लिया है 1 कप के करीब, और उसमें
2 टीस्पून मैंने केवड़ा जल, 2 टीस्पून मैंने रोज़ वाटर, और इसकी हाफ़ बॉटल, हाफ से भी बहुत कम देखिए, मुगलाई इतर यानी कि मीठा इतर बिरयानी वाला, और मैंने कलर डाला है। आप चाहें तो गरम दूध में केसर घोलकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ चावल का मैं शूट करना भूल गई, यानी कि मैं बिज़ी शेड्यूल के कारण कर नहीं पाई हूँ। तो आप 80% चावल को पकाइएगा, जब थोड़े से चावल कच्चे रहें यानी कि एक कनी बाकी रहे तो बस उसको पानी में से निकाल दीजिएगा। और यहाँ जो चावल मैरिनेट में चिकन मैरिनेट किया था तो उसको डाल देंगे सबसे पहले, और जितना चावल है उसका आधा तो नहीं उससे भी कम थोड़ा सा डालेंगे, और जैसे जैसे मुझे तेज़पत्ता मिलता जाएगा मैं निकालती चली जाऊंगी। और अब जो ये कलर हमने घोल के रखा था दूध में, कुछ टीस्पून थोड़ा हल्का फुल्का अभी डाल लेंगे, और अब आलू और अंडे को एक एक साइड से लगा के पूरा सेट कर लेंगे। आप बिल्कुल रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके अगर बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, कोई खा के बता ही नहीं पाएगा कि आपने घर पर बनाई है, बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये आलू और अंडे को सेट करने के बाद बाकी के जितने चावल थे सारे डाल दिए हैं, और ऊपर से ये कलर भी फिर से डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ है। और एक चम्मच बिरयानी मसाला चिकन जब मैरिनेट किया था तब डाला था, और एक चम्मच मैं अभी डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैं बिरयानी बना रही हूँ। चावल यहाँ मैंने 1 किलो 250 ग्राम लिया है, और ऊपर से फ्राइड अनियन डाल दिए हैं, और इस कलर को मैंने हल्का सा डार्क किया है क्योंकि लाइट और डार्क कलर आता है बिरयानी में तो देखने में भी अच्छी लगती है बिरयानी। तो कुछ टीस्पून मैंने यहाँ पर डार्क करके कलर को डाला है, और अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, और ऊपर से 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर अब मैं इसको फॉइल पेपर मीन्स इस पर अच्छी तरीके से पैक करके, और तब मैं इसमें दम लगाऊंगी। क्योंकि बहुत से लोग आटे से लगाते हैं, मैं भी पहले आटे से लगाती थी, बट उससे क्या है आटे की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, उसको फेंकना पड़ता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता है, तो इसलिए मैं फॉइल पेपर लगाती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा दम लगता है बिरयानी में। तो इस तरीके से फॉइल पेपर लगा के, और 15 मिनट आप फुल फ्लेम पर बिरयानी को रखिए, और उसके बाद 25 to 30 मिनट इसको तवा पर मीडियम टू लो गैस, कम से कम 25 मिनट इसको तवा पर रहने दीजिए दम पर। तो यहाँ मैंने रख दिया था तवा पर, और बिरयानी को पूरा मीन्स बिरयानी डन है। और अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, अब आप देखिए बिरयानी की शक्ल। और अब आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल एक एक खिल के आया है, और बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी गाइस। और मेरे घर में मेरे हाथ की बिरयानी मेरे बच्चे पूरा घर बहुत पसंद करता है, बनती भी बहुत अच्छी है, स्पेशली घर का बना हुआ इतनी साफ़ सुथरे तरीके से जो बिरयानी मसाला बनाते हैं, तो इतने अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे से ही बनेगी बिरयानी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए चिकन कितने अच्छे से गल गया है, बिल्कुल जूसी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि चिकन गलेगा कि नहीं गलेगा, तो यहाँ बिरयानी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी अच्छे से मिलाने के बाद। आज आपको दी अपनी सीक्रेट रेसिपी बिरयानी की, और सीक्रेट रेसिपी बिरयानी मसाला की, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और यहाँ खाना बनने के बाद मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मैं बिरयानी लेकर जा रही हूँ अपने बड़े बेटे रितेश के घर। तो यहाँ मैं निकल गई थी और उसके घर पहुँचने ही वाली हूँ बस। और दोपहर है गाइज, इतनी ज़्यादा गर्मी है, और मेरे घर से काफ़ी दूर भी है उसका घर,
और उसको बिरयानी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और मेरे जाते ही मैंने देखा सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल है वहाँ रितेश स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग करके आके सबसे पहले वो यहाँ पर चेंज करके बैठा है बिरयानी खाने के लिए। तो रितेश और नेहा दोनों के लिए ही मैं लेकर के गई थी। मेरी मम्मी भी अभी यहीं पर है रितेश के घर पर ही। तो बस मैं कुछ देर बैठी, 1-1.5 घंटा, उसके बाद मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए। और यहाँ घर पर आ गई थी तब तक और भी इतने सारे काम हो गए। चाय बनाई अपनी, सब कुछ, यहाँ चाय और बगल में हमारे अच्छी शॉप है जहाँ शाम के टाइम पे थोड़े गर्मा गर्म समोसे इमरती वगैरह मिलती है, तो घर के लिए ले आई थी। तो वही मैं एक समोसा और चाय लेके बैठी हूँ। तो एस्ट्रो को भी हल्का फुल्का मैं खिला रही हूँ। मीन्स उसको प्लेट लेके बैठो तो उसको तो खिलाना ही है फिर, वरना वो खाने नहीं देता है। आंचल ने मुझे बताया कि अपने फ्रेंड से बातें हो रही थी, तो उसने बताया कि मम्मी ने बिरयानी बनाई है, तो अब उनकी इच्छा है। ये लोग कई बार मेरे घर पे बचपन से ही आते हैं, ये लोग सब एकदम फैमिली की तरह हैं। तो वो आए हैं तो वही मैं उनको बिरयानी दे रही हूँ। इनको बहुत पसंद है मेरे हाथ की बिरयानी। और यहाँ बिरयानी देख के मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कैसी बनी है, तो वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं उनको, उनको वैसे भी उनको पसंद है। और यहाँ ये लोग जा रहे हैं और अभी काफ़ी रात भी हो गई है। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पर। मैंने आपको आज अपनी सीक्रेट रेसिपी बिरयानी की दी, सीक्रेट रेसिपी। कल आपको मैंने बिरयानी मसाले की दी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।